सकता है SO2 गैस की जब हम लाइव वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे कैसे हाइड्रोक्साइड के साथ, तो लाइव वाटर क्या होगा, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, क्योंकि क्या बन जाएगा CH3 बन जाएगा, तो CH3 बनेगा प्लस H2O बन जाएगा। अब ये जो कैल्शियम सल्फाइड है ये वाटर के अंदर इनसोल्युबल है, तो इसके पीपीटी बनेंगे, व्हाइट पीपीटी बन जाएंगे, और व्हाइट पीपीटी बनने की वजह से ही लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम तक अगर इसको छोड़ देते हो, लॉन्ग टाइम तक अगर इसको कैल्शियम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करते रहोगे तुम इसके अंदर, तो फर्दर ये क्या करेगा, कैल्शियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके प्लस H2 यहाँ पर प्रेजेंट है, तो कैल्शियम बाइसल्फाइड बना लेगा, कैल्शियम बाइसल्फाइड, और कैल्शियम बाइसल्फाइड वाटर के अंदर सोलुबल होता है, तो ये वाटर के अंदर सोलुबल होने की वजह से वाटर फिर से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्लियर सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, यही टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि व्हाइट पीपीटी लाइम वाटर को मिल्की। लेकिन ज्यादा देर तक अगर हम कंटिन्यू पास करते रहते हैं CO2 या SO2 गैस को, तो क्या बन जाता है, वाटर सोलबल, CO2 के केस में कैल्शियम बाइसल्फाइड बन जाता है, और SO2 के केस में, और CO2 के केस में कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, और ये जो बाइकार्बोनेट होते हैं ये वाटर के अंदर सोलबल होते हैं। ठीक है, एक और टेस्ट भी बताए थे मैंने CO2 के, SO2 गैस का और टेस्ट भी बताया था तुम्हें, और क्या टेस्ट है SO2 गैस का, यस, पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन को कैसा कर देगा ये, SO2 गैस के पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन बताया, कलरलेस मैम, कलरलेस क्या बन जाता है, कलरलेस जो सब्सटेंस बनता है वो क्या बनता है, MnS, यस MnSO4 बनता है। तो जो पिंक कलर का एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन होता है वो SO2 गैस पास करने से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। इसी तरह से जो ऑरेंज कलर का जो सॉल्यूशन होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का, वो ग्रीन हो जाएगा, क्रोमिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, SO2 गैस का मैंने ब्लीचिंग एक्शन बताया था, SO2 गैस का जो ब्लीचिंग एक्शन है वो टेम्परेरी है, क्योंकि SO2 गैस जो है, देखो मैं फिर से दिखा रही हूँ तुम्हें, SO2 गैस क्या करेगी, H2O के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बना लेगी, प्लस साथ में निकलेंगे नेसेंट हाइड्रोजन, बैलेंस है रिएक्शन। तो ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या करती है, ये नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करती है, यानी कि ये जो कलर्ड मैटर होता है उनका रिडक्शन करके उनको क्या करती है, उनको कलरलेस बनाती है। ब्लीचिंग एजेंट क्या होते हैं, कलर्ड सब्सटेंस को क्या करते हैं, कलरलेस बना देते हैं। जो रिमेनिंग ब्लीचिंग एजेंट है वो ऑक्सीडेशन करते हैं, वो ऑक्साइड बनाते हैं, कलर्ड मैटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेते हैं, और इसीलिए उनका ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट होता है। जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में आपको पता है ब्लीचिंग एजेंट क्लोरीन होती है, जैसे ओजोन, बट ये क्या करती है, ये रिडक्शन करेगी। अब ये जो हाइड्राइड, जो इसमें नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज किया है, इस नेसेंट हाइड्रोजन की हेल्प से ये क्या बनाएगा, आयनिक हाइड्राइड बनाएगा, आयनिक हाइड्राइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, आयनिक हाइड्राइड कैसे बनेगा, जो कलर्ड मैटर होगा, कलर्ड मैटर के साथ ये नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, आयनिक हाइड्राइड बनाएंगे। और ये जो आयनिक हाइड्राइड होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, तो अनस्टेबल होने की वजह से ये फर्दर वापिस डिकम्पोज हो जाएंगे, टूट जाएंगे, फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कलर्ड मैटर प्लस नेसेंट हाइड्रोजन में। सो द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज ड्यू टू रिडक्शन, इट मेक अनस्टेबल आयनिक हाइड्राइड बाय रिएक्ट विद कलर्ड मैटर विद द हेल्प ऑफ दिस नेसेंट हाइड्रोजन, एंड दिस आयनिक हाइड्राइड इज अनस्टेबल एंड इट फर्दर डिकम्पोज टू फॉर्म कलर्ड मैटर। तो कुछ देर के लिए ही कलरलेस होगा, SO2 गैस से अगर किसी मैटर को हम कलरलेस बनाएंगे तो वो कुछ देर तक ही कलरलेस रहेगा, वो फर्दर क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा SO2 गैस किसका अनहाइड्राइड है ये बताओ तुम, SO2 गैस किसका अनहाइड्राइड है, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड का। अगर H2SO3 को हम फर्दर हीट करते हैं तो ये वापस SO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
एसओथ्री गैस का मैंने स्ट्रक्चर बता दिया था तुम लोगों को, एसओथ्री गैस। यस मैम। अच्छा बताओ तो जो ट्रिपल बॉन्ड बने हुए हैं एसओथ्री गैस में, ट्रिपल पाई बॉन्ड बने हुए हैं, ये कौन कौन से बॉन्ड है बताओ? तीन तो सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं और तीन पाई बॉन्ड बने हुए, ये जो पाई बॉन्ड है ये कौन कौन से हैं? सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या लिखी थी, 3s2 3s2 3p4। यस कितने बॉन्ड बनाने हैं इसको, तीन सिग्मा बनाने हैं तो तीन हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए। तीन हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल लाने के लिए तीन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट भी करने चाहिए और तीन पाई बॉन्ड बनाने। पाई बॉन्ड कौन से बनाते हैं? अनहाइब्रिडाइज्ड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल यानी कि। हाँ जी मैम एक बार ये समझा दो कि सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइज्ड जो एस ऑर्बिटल, ओ एस ऑर्बिटल होती है वो कैसे बनते हैं सिग्मा बॉन्ड उससे? देखो सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा ना वो सेंट्रल एटम का हाफ फिल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा। देखो आपको ये तो पता होना कि चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा जब दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे ना तब कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। एक फुल्ली फिल्ड और एक हाफ फिल्ड ओवरलैप करता है तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ये पता है ना आप लोगों को, जब दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। अच्छा अब ये ओवरलैपिंग से जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड भी दो तरह का होता है, सिग्मा और पाई, है ना। सिग्मा कैसे बनता है? एड ऑन ओवरलैपिंग से, जैसे कि ये एक हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है, ये दूसरा हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है, एड ऑन ओवरलैपिंग जब या अलोंग इंटरनिक्यूलर एक्सिस जब ओवरलैप करते हैं तो कौन सा बनता है? सिग्मा। और अगर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो हमारे परपेंडिकुलर है इंटरनिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये इंटरनिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या इसको साइडवेज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं तब कौन सा बनता है? पाई। ये बात तो समझ में आ रही है ना, जो कोवलेंट बॉन्ड है वो दो तरह का है, सिग्मा और पाई। अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं तो सिग्मा बनता है और साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या बनता है? पाई बोलते, पाई बनता है। देखो मैं तुम्हें ये बात ये बोल रही हूँ कि जो मॉलिक्यूल है हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ने के बाद आपने ये पढ़ा है कि सेंट्रल एटम के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं करते, सेंट्रल एटम के सॉरी सेंट्रल एटम के एज इट इज ऑर्बिटल जो है वो पेरिफेरल एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, पहले वो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ये कंसेप्ट तो पता है ना। ऐसा नहीं है कि इसका ये जो प्योर ऑर्बिटल है ये ऑक्सीजन के प्योर ऑर्बिटल के साथ अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या साइडवेज ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेगा, पहले हाइब्रिडाइजेशन आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन आएगी, लेकिन अब मैं तुम्हें ये बात बोल रही हूँ कि जो सेंट्रल एटम का हाफ फील्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा ना, हाफ फील्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सेंट्रल एटम का हाफ फील्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? देखो जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है उसकी शेप ये होती है हमेशा, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, चाहे वो sp2 हो, sp हो, sp3 हो, sp3d हो, ठीक है। तो बेटा ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप, एक लोब जो होता है ये प्रेडोमिनेंट नहीं होता, एक लोब रिड्यूस्ड होता है, तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं कर सकता। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो साइडवेज ओवरलैपिंग कर ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि साइडवेज ओवरलैपिंग के लिए तो दोनों लोब प्रेडोमिनेंट होने चाहिए ना, तो इसीलिए कभी भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। यस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, क्यों? क्योंकि उसका एक लोब प्रेडोमिनेंट नहीं है, तो पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ही बना सकता है। और जो सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं ना सेंट्रल एटम और पेरिफेरल एटम के बीच में, इसमें सेंट्रल एटम का हाफ फील्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, देखो अब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल या तो हाफ फील्ड होंगे या फुल्ली फील्ड होंगे, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे
वो या तो हाफ फिल्ड होंगे या फिर क्या होंगे फुल्ली फिल्ड। अब फुल्ली फिल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाएगा, वो भी कब, जब किसी एम्प्टी ऑर्बिटल के कॉन्टेक्ट में चला जाए। नहीं, जैसे कि वाटर के केस में बना हुआ है, वाटर में क्या हुआ है, वाटर में हमें पता है कि वाटर में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है वो है sp3। तो अब जो एच पॉजिटिव आयन है, एच पॉजिटिव आयन के साथ वाटर कैसे रिएक्शन करता है, इस एच पॉजिटिव आयन का जो एम्प्टी एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है एच पॉजिटिव आयन का एम्प्टी, और ये जो फुल्ली फिल्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, फुल्ली फिल्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये इसके साथ ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट। मैं तुम्हें क्या कहना चाह रही हूं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल या तो हाफ फिल्ड होंगे या फिर क्या होंगे, फुल्ली फिल्ड सेंट्रल एटम के पास। जो फुल्ली फिल्ड होंगे वो या तो क्या करेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे। हाँ, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा, जब किसी एम्प्टी ऑर्बिटल के कॉन्टेक्ट में ये जाएगा। तो अब बचे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हमेशा क्या करेंगे, वो हमेशा अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ही ओवरलैप कर सकते हैं, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ही ओवरलैप कर सकते, साइडवेज नहीं कर सकते। अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वो चाहे एस के साथ करे, पी के साथ, वो पेरिफेरल एटम के पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो भी अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है। सेंट्रल एटम का हाफ फील्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पेरिफेरल एटम के एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल किसी के भी साथ क्या करेगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग करके कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा। ये बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब SO3 के केस में देखो, तुम्हें यहाँ पर अगर लविश स्ट्रक्चर लिखना आता है, तुम्हें ये पता चल जाता है कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। 3 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड SO3 में प्रेजेंट है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए 3 हाफ फिल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की जरूरत है, और 3 पाई के लिए 3 हाफ फिल्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की जरूरत है। तो ये है ग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले प्रमोशन करना पड़ेगा जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चले जाएंगे, डी में चले जाएंगे। क्या क्या चाहिए ये पता चल रहा है तुम्हें, 3 क्या चाहिए, हाफ फील्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। 3 हाफ फील्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तभी बनेंगे जब 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें। इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में वही होती है जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होती है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन एस से निकलकर और एक पी से निकलकर कहां चले गए, डी में। ये देखो, अब मुझे 3 हाफ फील्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ही जरूरत है 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, इसीलिए मैं 3 को ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करवाऊंगी, और तीनों हाफ फील्ड है, एक एस और 2p, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 हो गई। 3 हाफ फील्ड ने पार्टिसिपेट किया है, तो ये तीन बनेंगे, ये भी 3 क्या होंगे, हाफ फील्ड ही होंगे। यस, समझ में आ गई बात। अब 3 पाई बॉन्ड बनाने हैं तो 3 इसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचे हुए हैं, उन 3 में से 1 पी और 2 क्या बचे हुए हैं, डी बचे हुए हैं। तीनों के तीनों हाफ फील्ड हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर, से भी ट्रायंगुलर प्लेनर 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल रहेगा। तो SO3 3 तो बन गए, जो 3 हाफ फील्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। अब तुम मुझे बताओ ये किसके साथ ओवरलैपिंग करेंगे, पेरिफेरल एटम कौन है, ऑक्सीजन है पेरिफेरल एटम, ऑक्सीजन के पास क्या चल रहा है, कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, जस्ट आंसर दिया करो, तुम प्लस 2 क्लास के बच्चे हो। यस, बताओ कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ऑक्सीजन के पास, कॉन्फिगरेशन बोलो, 2s2 2p 4। तो बेटा 2 प्योर ऑर्बिटल नहीं है ऑक्सीजन, हर ऑक्सीजन के पास कितने प्योर ऑर्बिटल है हाफ फील्ड, 2 प्योर ऑर्बिटल हाफ फील्ड पड़े ही। पेरिफेरल एटम के ऑर्बिटल तो एज इट इज ओवरलैपिंग करेंगे, करके सिग्मा या पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते, हाइब्रिडाइजेशन सेंटर के करते हैं। तो
देखो हर तीन ऑक्सीजन है और हर ऑक्सीजन के पास दो दो पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, ठीक है। तो एक पी ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है वो इसके साथ अलोंग इंटरनिक्यूलर एक्सिस ओवरलैप करेगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। दूसरी ऑक्सीजन का दूसरे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ अलोंग इंटरनिक्यूलर एक्सिस, दूसरा सिग्मा बॉन्ड। तीसरी ऑक्सीजन का हाफ फिल्ड प्योर बैटल अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप करेगा, तो तीन सिग्मा बॉन्ड बने या नहीं ये बताओ तुम मुझे। हर एक ऑक्सीजन का हाफ फिल्ड प्योर बैटल, तो एक हर ऑक्सीजन का एक पी और बैटल तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गया, और सल्फर के तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड और बैटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गए। अब सल्फर के पास क्या बचे हुए हैं, तीन अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, एक पी और दो डी बचे हुए हैं अनहाइब्रिडाइज्ड, एक पी बचा हुआ है, ये तो हाइब्रिडाइजेशन में आ गए थे, और दो डी बचे हुए हैं। सल्फर के पास तीन अनहाइब्रिडाइज्ड हाफ फील्ड ऑर्बिटल बचे हुए हैं, एक पी और दो डी, और हर ऑक्सीजन के पास क्या बचा हुआ है, एक पी ऑर्बिटल, एक तो सिग्मा में लगा दिया और एक बचा हुआ है ना, तो एक ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल एक सल्फर के पी ऑर्बिटल के साथ कौन से ओवरलैप करेगा, साइडवेज ओवरलैपिंग, साइडवाइज। तो यहां पर साइडवेज ओवरलैपिंग करके एक पाई बॉन्ड यहां बन जाएगा। ये जो पाई बॉन्ड बनेगा इसको पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बोलोगे, क्योंकि दोनों के पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। और एक ऑक्सीजन का दूसरी ऑक्सीजन का जो हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल है वो सल्फर के डी ऑर्बिटल के साथ साइडवेज ओवरलैप करके एक और पाई बॉन्ड बनाएगा, ये पी पाई डी पाई कहलाएगा। और तीसरी ऑक्सीजन का जो हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल है वो सल्फर के एक और हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड यहाँ पर बनाएगा। तो जो तीन पाई बॉन्ड बनेंगे उसमें से क्या होंगे, ये तीन तो हो गए सिग्मा, ये पाई बॉन्ड इसको अगर हम पी पाई का नाम दे देंगे, ये हो गया पी पाई डी पाई, ये हो जाएगा पी पाई डी पाई। लेकिन तीनों बॉन्ड लेंथ इक्वल है, तीनों बॉन्ड लेंथ इक्वल क्यों है, रेजोनेंस की वजह से। ये फिक्स नहीं है ये चीज कि हमेशा इस ऑक्सीजन का ही पी ऑर्बिटल इसके पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे, एक बार में ये बॉन्ड टूट जाएगा तो इस ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल सल्फर के डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेगा, तो यहाँ पर पी पाई डी पाई हो जाएगी, तो यहाँ पर पी पाई हो जाएगी, तो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं SO3 की, सभी बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्वल है। रेजोनेंस में क्या होता है, पाई बॉन्ड टूटता रहता है, पाई बॉन्ड लेफ्ट वाले एटम से टूटकर राइट वाले के साथ बन गया, इस तरह से बनता रहता है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती रहती है, ठीक है। तो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगी, एक बार पी पाई यहां दिखा दिया, अगले में पी पाई इसमें दिखा देना, उससे अगले में पी पाई इसमें दिखा देना, ड्रॉ कर लोगे। अब SO3 गैस जो है, SO3 गैस वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगी, H2SO4। इसीलिए SO3 गैस किसका अनहाइड्राइड है, सल्फ्यूरिक एसिड का, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, अनहाइड्राइड है। SO3 गैस खुद रिड्यूस होना हो जाएगी, SO2 में कन्वर्ट हो जाएगी या सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि +6 से कहां चली जाएगी, +4 या 0 पे चली जाएगी, खुद रिड्यूस हो जाएगी, तो किसका काम करेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। SO3 गैस एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2SO4 भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम रिएक्शन लेंगे, लेकिन SO2 गैस किसका काम करेगी, रिड्यूसिंग एजेंट का। कल हमने SO2 गैस की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की थी KMnO4 के साथ, K2Cr2O7 के साथ, HNO3 के साथ। जल्दी तुम मुझे बताओ SO2 गैस की डायल्यूट HNO3 के साथ क्या रिएक्शन आएगी, SO2 गैस की डायल्यूट HNO2 के साथ, डायल्यूट HNO3 के साथ क्या रिएक्शन आएगी, नहीं कर चुके हो SO2 गैस के HNO2 HNO3 की सारी रिएक्शन, HNO3 डायल्यूट HNO3 खुद किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड में,
हेलो, यस मैम, सुन रहे हो तुम यस मुझे? मैम, फिर तुम्हारा रिस्पांस क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया तुम्हारा रिस्पांस? क्यों नहीं बताया तुम लोगों ने? एच ये टू एस ओ कंसंट्रेटेड है फोर मैम। डाइल्यूट एच एन ओ थ्री के साथ मैंने एसओ टू गैस की रिएक्शन पूछी थी। एसओ टू गैस खुद किस में कन्वर्ट होगी? एच टू एसओ फोर में। आपने यहाँ पे कंसंट्रेटेड लिया है मैम, एच एन ओ थ्री मैंने कहा कंसंट्रेटेड डाइल्यूट लिखा है? है, मैंने ट्रियो तो आएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया। अरे नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा डाइल्यूट केस में बेटा, कंसंट्रेटेड नेसेंट ऑक्सीजन एसओ टू थ्री आएंगे बनेगा। मैम। नेसेंट ऑक्सीजन थ्री आएंगे, ये ठीक है तेरी बात। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा डाइल्यूट के केस में और कंसंट्रेटेड के केस में एनओ टू बन जाता। एसओ टू गैस, एसओ टू गैस ने किसका काम किया है यहाँ बताओ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? यस, रिड्यूसिंग एजेंट, किसका रिडक्शन किया? रिड्यूसिंग किसका रिडक्शन किया? एचएनओ थ्री का। एचएनओ थ्री का रिडक्शन करके इसको प्लस फाइव से किस में भेज दिया? प्लस टू में, और खुद ऑक्सीडाइज होगी प्लस फोर से प्लस सिक्स में। के टू सी आर टू सावन के एम एन ओ फोर जो एसओ टू गैस के डिटेक्शन के लिए यूज होते हैं उसमें इसकी सारी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी तो सामने आ रही है। अब थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें एच टू एसओ फोर की प्रिपरेशन पढ़ाऊंगी, तो वो सारी रिएक्शन जिसमें एसओ टू रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रही है वहां एच टू एसओ फोर ही तो बन रहा है। नहीं, एसओ टू खुद जहां रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा खुद ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है? एच टू एसओ फोर में। और जहां एच टू एसओ फोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा वहां पर एसओ टू में कन्वर्ट हो जाएगा। एच टू एसओ फोर की माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, कॉपर मेटल की अगर मैं एच टू एसओ फोर के साथ रिएक्शन करवा दूं डाइल्यूट एच टू एसओ फोर के साथ, तो रिएक्शन होगी या नहीं ये बताओ अब तुम मुझे। नहीं होगी मैम, नहीं होगी मैम, नहीं होगी, चलो नहीं होगी, ठीक है। कंसंट्रेटेड एच टू एसओ फोर के साथ बताओ, कंसंट्रेटेड एच टू एसओ फोर के साथ क्या रिएक्शन होगी? ये वैसे एच टू एसओ फोर के रिएक्शन में लेंगे हम, बता देती हूँ तुम्हें। एसओ टू गैस का प्रिपरेशन है ये, एक तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और एक एसओ टू बन जाएगा और एक वाटर बन जाएगा। एसओ टू गैस का प्रिपरेशन कैसे? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये एच टू एसओ फोर। माइल्ड का मतलब सभी का ऑक्सीडेशन तो नहीं कर पाता, लेकिन जो ऑक्सीडेशन के लिए मोर रिएक्टिव उनका कर देता है। एसओ टू गैस का लेबोरेटरी प्रिपरेशन है ये। कैसी हुई है रिएक्शन? एच टू एसओ फोर एसओ टू प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये नेसेंट ऑक्सीजन जो होगी एक सेकंड, सी यू ऑक्सीजन कॉपर के साथ रिएक्शन करके सी यू ओ बना लेगी। अब सी यू ओ है मेटल का ऑक्साइड है और एच टू एसओ फोर यहाँ पर एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन होगी। ये बेस है, मेटल का ऑक्साइड बेस हो गया और ये एसिड हो गया, तो क्या बन जाएगा? एच टू एसओ फोर प्लस एच टू बनेगा, सी एस ओ फोर सॉरी सोल्ट बनेगा सी एस ओ फोर प्लस एच टू ओ। तो इस तरह से आई है ये रिएक्शन। सीयूओ से सीयूओ काट दो, नेसेंट से नेसेंट कट जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉपर प्लस एच टू एसओ फोर से क्या बन गया? सीयूओ एसओ फोर बन गया, एसओ टू गैस निकल गई, एच टू ओ बन गया। एसओ टू गैस को लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं हम इस मेथड से, कॉपर मेटल की कंसंट्रेटेड एच टू एसओ फोर डाल के। कॉपर टर्निंग है लैब में, कंसंट्रेटेड एच टू एसओ फोर डालेंगे, क्या बन जाएगी? एसओ टू गैस। और बहुत ज्यादा एसओ टू गैस साइड प्रोडक्ट मेटलर्जी में मिलती है। तुम लोगों ने मेटलर्जी में रोस्टिंग प्रोसेस पढ़ी है? रोस्टिंग प्रोसेस क्या होती है? 10th क्लास में पढ़ी होगी तुम लोगों ने रोस्टिंग यस प्रोसेस। मैम, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में तो क्या होता है, मेटल ओर को एयर के एब्सेंस में गर्म किया जाता है, वो कार्बोनेट और हाइड्रेटेड और ऑक्साइड और के लिए की जाती है। और रोस्टिंग में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अब जैसे जिंक सल्फाइड है
इसको ऑक्सीजन के साथ गर्म करोगे तो ये रोस्टिंग ही है, तो क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2, तो साइड प्रोडक्ट के रूप में मिल जाते हैं। इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं, जो मेटलर्जी की इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर मेटल निकाली जाती है और में से, उस टाइम जब रोस्टिंग करवाई जाती है तो एसओ टू गैस क्या मिलती है, साइड प्रोडक्ट के रूप में मिलती है, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्पज एसओ टू गैस बनाना थोड़ी ना है, लेकिन रोस्टिंग के दौरान अपने आप एसओ टू गैस बन जाती है। और इस एसओ टू गैस का यूज कहाँ पर कर लेते हैं, अगर ये एटमोस्फियर में जाएगी तो ये अपने एसिड रेन कोज करेगी, इसको यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं एसओ टू गैस को, और बाद में H2SO4 बनाने में इसका यूज करते हैं। हम पढ़ेंगे H2SO4 की प्रिपरेशन डिटेल से। SO2 हमारी कंप्लीट हो गई, SO3 कंप्लीट हो गई, उसके बाद हैलाइड लेंगे, ऑक्साइड कंप्लीट कर लिए, हैलाइड लेंगे हम ग्रुप 16 के हैलाइड्स, हैलोजन के साथ रिएक्शन करके हैलाइड्स बनाएंगे। हमें दो हैलाइड्स को ही डिटेल से पढ़ना है, SF4 और SF6 को, SF4 और SF6 दोनों की ज्योमेट्री, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट और शेप इंपॉर्टेंट है। यस बताओ, सबसे पहले SF4 में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ सल्फर की, SF4 में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसे निकालते हो, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने का क्या तरीका अपनाते हो तुम, कोई बच्चा मुझे बताएगा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसे निकालते हो, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते हो क्या तुम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस जो बॉन्डेड वो बॉन्डेड एलिमेंट, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते हो तुम, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकालते हो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के प्लस बॉन्डेड एटम अपॉन 2, ये कितना आ गया 5। अगर ये टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 आ गया तो अब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल किस में होंगे, sp3d में, sp3d हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3d आ गई। एक और तरीका भी है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने का, अगर तुम्हें लेवी स्ट्रक्चर लिखना आता है तो, बहुत ही आसान सा, अगर तुम्हें लेवी स्ट्रक्चर लिखना आता है, देखो SF4 का लेवी स्ट्रक्चर अगर हम लिखें तो 4 तो हम फ्लोरीन जोड़ देते हैं, किसी भी तरीके से 4 फ्लोरीन जोड़ दी हमने, लेवी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, तो लेवी स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, शेप को मैटर नहीं करते, कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। सल्फर के पास वाले सल में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 6 में से इसने बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज कितने कर लिए, 4, यस, तो 2 बच गए ना, यानी कि इसके पास क्या बच गया, 1 लोन पेयर। अगर तुम लोगों को लेवी स्ट्रक्चर सही से ड्रॉ करना आता है तो एक स्टीरिक फैक्टर निकलता है, जैसे मैंने यहाँ पर टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला बताया ना, वो है स्टीरिक फैक्टर निकालने का फॉर्मूला। स्टीरिक फैक्टर, स्टीरिक फैक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम, प्लस लोन पेयर, बस यही काम करना है तुम्हें। बताओ बॉन्डेड एटम्स कितने हैं, 4, लोन पेयर कितना है, 1, कितना आ गया, 5, स्टीरिक फैक्टर 5 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3d हो गई, 4+1 का, यहाँ पर भी टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 आ गया, 5 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्डेड हाफ फील्ड कितने होंगे, हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे बताओ, जितने सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, सिग्मा बॉन्ड किसके बराबर होते हैं, जितने बॉन्डेड एटम है भाई, बॉन्डेड एटम और सेंट्रल एटम के बीच में कम से कम एक सिग्मा बॉन्ड तो बना है ना, पाई तो बाद में बनेगा, पहले तो सिग्मा ही बनेगा, तो जितने बॉन्डेड एटम होते हैं उतने ही सिग्मा बॉन्ड बने होते हैं, और सिग्मा बॉन्ड हमेशा कौन बनाते हैं, हाइब्रिडाइज्ड हाफ फील्ड ऑर्बिटल, तो 5 में से 4 हाफ फील्ड हैं, यानी कि 4 ने बना रखे हैं सिग्मा बॉन्ड, 4 हाफ फील्ड है, 1 फुल्ली फील्ड है, तो 4+1 का ही केस आ गया। अब ज्योमेट्री क्या आती है sp3d हाइब्रिडाइजेशन की, 2 ही बच्चे बोलते हैं बस, एक तो तनु बोलती है और एक दीपिका बोलती है, बाकी को किसी को पढ़ना ही नहीं है, जवाब नहीं देना होता है ना। यस, क्या ज्योमेट्री होती है sp3d की, ट्राइगोनल पिरामिड, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है बेटा, एक तो ट्राइगोन बनेगा, 3 ऑर्बिटल तो क्या होंगे, एक प्लेन में आएंगे और 2 प्लेन के ऊपर आएंगे, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, ये तो ट्राइगोन बन गया,
120 डिग्री पर लाई कर जाएंगे तीन तो, और एक प्लेन के ऊपर आएगा और एक प्लेन के नीचे आएगा, ये एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है ज्योमेट्री, लेकिन यहाँ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल रेगुलर रहेगी या डिस्टोर्टेड रहेगी? रेगुलर रहेगी या डिस्टोर्टेड रहेगी? डिस्टोर्टेड रहेगी। एक लोन पेयर आ जाएगा, एक लोन पेयर आएगा, इक्विटोरियल पोजीशन पर आता है लोन पेयर। तो सीसा ज्योमेट्री, इसकी शेप क्या हो जाएगी? सीसा। सीसा शेप बोलते हैं क्या इसको? यस मैम, यस मैम। सीसा शेप ज्योमेट्री डिस्टोर्टेड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और शेप होगी सीसा। न्यूमेरिकल पोलर है या नॉन पोलर है सब फोर? पोलर मैम, पोलर होगा लोन पेयर होने की वजह से। तो असब फोर में हमें यही करना है, एक असब फोर के हमें वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है। असब फोर की वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम, ये आपको याद रखनी है। वाटर के साथ देखो चार तो असब बन जाएंगे, चार चार अचब, चार फ्लोरीन है तो चार हाइड्रोजन के साथ फोर तो अचब बन जाएंगे। प्लस क्या बच गया पीछे? सल्फर और दो ऑक्सीजन SO2 बन जाएगा। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है असब फोर की वाटर के साथ, फोर अचब प्लस SO2। बस असब फोर में हमें इससे ज्यादा नहीं करना और कुछ भी। कितना टाइम रहता है मीटिंग में? टाइम बताना है कितना हुआ? दो मिनट रहती है। बेटा फीस डिपॉजिट के लिए, फीस डिपॉजिट करवाओ हाफ अर्ली एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। जिन बच्चों ने डिपॉजिट नहीं करवाई है वो फीस डिपॉजिट करवाओ अपनी। अब तो 21st से तुम्हारे स्कूल भी स्टार्ट हो जाएंगे। रिकॉर्डिंग बंद कर दो।